ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कल से एक हफ्ते तक बारिश होगी। नैनीताल चंपावत में बारिश जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले के मुकाबले लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अब बारिश हो रही है। दिल्ली में भी मौसम में बदलाव देखा गया है और साथ ही उत्तराखंड के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है देहरादून की, जहां पर बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, गर्मी से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है, साथ ही टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया है और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रतापगढ़ में सरकारी तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरवा दिया। पक्के मकान बनाने वालों को खुद से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। मामला पट्टी तहसील क्षेत्र के ओझला गांव का है, जहां पर तालाब की जमीन पर अवैध रूप से 12 लोगों ने अतिक्रमण कर निर्माण किया था। तहसील प्रशासन की जांच में मामला सही पाया गया और तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को गिरा दिया। हमीरपुर में एक बुजुर्ग किसान का अपहरण कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। बुजुर्ग की पत्नी ने 4 लोगों के खिलाफ राठ कोतवाली में पति के अपहरण की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अनसुनी कर दी और बुजुर्ग का शव मिलने के बाद में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। ठीक है, उनको ढूंढने में और जिन जिनके ऊपर उनके द्वारा संदेह जताया गया था उन लोगों को भी ला करके पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 11 बजे उनकी डेड बॉडी साईं मंदिर के पीछे राजेंद्र यादव के खेत में नीम के पेड़ पर लटकती हुई पाई गई, जिस पर तत्काल पूरी फोर्स आकर फोरेंसिक टीम को भी बुलाकर इनकी डेड बॉडी को उतार करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। क्या आपने किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देखा है? बिहार में ट्रेन के लिए लोको पायलट ने यह किया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आखिर लोको पायलट ने ऐसा क्या किया कि उसकी बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा में लाख कोशिशों के बाद भी कोसी नदी का पानी घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कोसी नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। हालांकि 2017-18 में कोसी नदी के किनारे एक ही दिन में 1.5 लाख पौधों का रोपण भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कोसी नदी का जलस्तर साल 2020 को 43.5 क्यूसेक था, वहीं 2021 में वो घटकर 28.5 क्यूसेक तक जा पहुंचा। साल 2022 को नदी का जलस्तर 26.5 क्यूसेक पहुंच गया, जिसके बाद साल 2023 में जलस्तर 69.5 क्यूसेक रहा, जबकि 21 जून 2024 को नदी का क्यूसेक 23.5 था। कोसी बैराज में पिछले 5 वर्षों में आज की तारीख में ही 23.5 क्यूसेक पानी है, जो कि पिछले 5 वर्षों का सबसे कम है। और ये प्री मानसून बारिश से न होने के कारण इस समय कोसी बैराज का जल जो हमारा डिस्चार्ज है वो एकदम कम हो गया है, 23.5 क्यूसेक है। वहीं भू वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम चेक वाल भी जरूरी है, क्योंकि पौधारोपण करने से ही नदी का जल स्तर नहीं बढ़ेगा। इसी घटते जल स्तर को ध्यान में देते हुए मैंने प्रशासन को शासन को प्रस्ताव दिया और उनने कार्य भी किया उसमें, और उस कार्य में उसमें बहुत सारे जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट किए गए हैं, उसमें होल्स बनाए गए हैं, ट्रेंच बनाए गए हैं, पिरूल के चेक डैम बनाए गए हैं। कोसी नदी में कम होता पानी चिंता का सबब है, ऐसे में नदी के गिरते जल स्तर को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।